आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं संजीव, आप देख रहे हैं नोटबुक। और बेटा हम जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं 29वां, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करते हैं हम 30 तक आ जाएंगे, देखो, है ना। चलिए, तो आपके साथ जीएस की क्लास जो है वो कंटिन्यू लगभग रखनी ही है जब तक कि आपका पेपर ना हो जाए, आपका DSSSB का, ठीक है ना। हाँ, बस आपसे एक गुजारिश जो मैंने बहुत पहले की थी स्टार्ट करते टाइम, कि आप बच्चों की संख्या क्लास में 100 कर देना, उसके बाद में कंप्यूटर हो चाहे इंग्लिश हो, तब मैं स्टार्ट कर दूंगा प्रैक्टिस सेटअप। कंप्यूटर का तो आपके बिना 100 के ही मैंने कर दिया, ठीक है। हाँ, अब अगला वादा आपने पूरा करना है। चलिए, तो आप बताइए आपकी पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है। ये कुछ कोर्सेज है बेटा, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, नोटबुक एकेडमी एप्लीकेशन पर देख लेना, लगभग सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। DSSSB के टीचिंग की वैकेंसी हो, नॉन टीचिंग की हो, ठीक है। और आपका CTET वगैरह है, चंडीगढ़ का है, ठीक, जेल वार्डन का हो गया। अब मैं आपको लिए चलता हूँ गंगा नदी की तरफ, ठीक। कुछ फोटोज़ मुझे याद हैं, अगर उनकी मदद से करेंगे तो बहुत भलाई होगी, याद हमें ईजीली रह जाएगा। चलिए फिर आप बताओ इसमें पहले तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ठीक। हाँ बताइए बेटा। सर MTS का फॉर्म आएगा तो SSC का GS भी करवाएं। बेटा DSSSB का जब GS होगा ना, तो वो थोड़ा ऊपर लेवल का SSC से, और बाकी कोई बात नहीं, हम जो PYQ है SSC के, उस बेस्ड पे हम GS का प्रैक्टिस सेट चला देंगे, ठीक है। तो बेटा हम SSC का मैं बता दूं, अगर आप बच्चों का सहयोग हो, जैसे SSC का आपने नाम लिया है, SSC मेरे अकेले से नहीं हो पाएगा। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप कर पाएँ तो। एक तो फेज़ 12 की भर्ती आई है अभी, एक बेटा CPO की भर्ती आई है, काफ़ी दिन हो चुके हैं, और एक CHSL के फॉर्म भी आ रखे हैं, है या नहीं है। इनके लिए हम एक SSC की प्री क्लासेस चलाना चाहते हैं। कुछ बच्चों से हमारी 2-4 बच्चों से बात भी हुई है। आपके SSC में क्या आएगा बेटा, आपके लिए हम SSC की क्लासेस चलाएंगे। इंग्लिश आती है मेरे ख्याल से उसमें, इंग्लिश की, GS की, मैथ्स की और रीजनिंग की, ठीक है बेटा। और इसमें हमने जो प्लान किया है क्लासेस का, उसमें इंग्लिश की क्लास रिसेप्ट कर लेंगे, GS का प्रैक्टिस सेट आपको मैं कराऊंगा SSC का रोज, मैथ्स का जो है वो हम दो करवाएंगे, कि एक तो अर्थमेटिक होता है आपका, एक SSC में एडवांस आता है, दो टाइप के होते हैं ना। तो उसमें क्या करेंगे कि एक दिन रवि सर कराएंगे आपको, एक दिन मैं कराऊंगा, एक दिन रवि सर कराएंगे, एक दिन मैं कराऊंगा, सोमवार मंगलवार बुधवार, ऐसे। तो हफ्ते में 3 प्रैक्टिस सेट आपके, 3 दिन अर्थमेटिक के होंगे और 3 दिन आपके एडवांस के होंगे, इस हिसाब से कराएंगे, ठीक है ना। हाँ, ऐसे करके, ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ होती रहे। और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपका कराएंगे शोभित सर। और आप बच्चे, जैसे कुछ डिप्लेस SSC का भी कह रहा है, यही बच्चा DSSS में पढ़ रहा है, तो काफ़ी बच्चे कॉमन होते हैं, तो आप DSSS वाले बच्चे भी वो प्रैक्टिस सेट लगाते रहना, रोज़ नोटबुक एकेडमी एप्लीकेशन पे होंगे, सोमवार से शनिवार तक चलेंगे, क्लियर। हाँ अच्छा, फोटो में चश्मा लगाया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखो वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, चश्मा कभी नहीं लगाना चाहिए, फोटो साफ होनी चाहिए। तो गलती तो की आपने कौशल्या, बट अगर उनको विजिबल ठीक से आ रही होगी ना फोटो, तो शायद वो दिक्कत कोई इतनी ना करे। चलिए, हाँ। और कौशल्या एक बात और बता दूं कि आपकी मैट्रन की भर्ती एक और आने वाली है, मंजूर हुई है वैकेंसी, अब पता नहीं कि पुरानी भर्ती में वो जोड़ देंगे उसको या नहीं निकालेंगे, भर्ती एक और मंजूर हुई है उसकी पोस्टें, ठीक है। चलिए, आपका GD का हुआ था कौशल्या, और फिर से आपने चश्मा वाली फ़ोटो लगा दी। एक तो फोटो पे ध्यान ही नहीं देते बच्चे, मैंने बहुत बच्चों का देखा है, अच्छी सी फ़ोटो खिंचवा के रखो उसको सेव करके, है ना। GD का रिजेक्ट हुआ था, अब देखो GD SSC लेता है, ये DSSS भी, अब पता नहीं क्यों उनका क्या पैटर्न रहता है। हाँ ठीक है ना। अब इस प्रश्न का आपने क्या उत्तर बताया, हाँ तो एक बात बताइए, क्या आप इसमें सहयोग करेंगे। हाँ, हमारे जो टीचर हैं उनको क्लास में आपके जो लाइव बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 100 बच्चे लाइव हो इतना काफ़ी है,
आप जो बैच कहें उसकी चला सकते हैं हम। आरपीएफ के भी कुछ बच्चे कह रहे हैं उसका बाद में सोचेंगे, अभी नहीं सोच रहे। हाँ, क्योंकि हमारा चैनल छोटा है। हाँ, यूट्यूब पे ही क्लासेज होंगी, रोज चार क्लासेज होंगी ये चारों सब्जेक्टों की, ठीक है। हाँ, बस आपको इतना करना है कि एक बच्चा अगर कोशिश करे कि 10 बच्चों के आगे उनको कहे, समझाए, और इस तरह से हमारे बच्चे हो जाए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं क्लास चलाने में। आपके पेपर तक क्लास चला देंगे, हमारा काम पढ़ाना ही है। अब इसमें बताओ, इसमें कौन कौन तैयार है सहयोग करने के लिए? पहले तो आप अपना नाम लिखे कमेंट में बताएं भाई, हाँ, या हाथ ऊपर करके। अब चेंज नहीं हो सकता इसमें, हाँ, करेक्शन नहीं होता। DSSS में तो करेक्शन के लिए वैसे भी नहीं देता। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से निकलती है? आपको मैं थोड़ा सा गंगा नदी की फोटो दिखा दूं, अगर मेरे पास आ गई है तो आ गई। ठीक है, देखिए, अब ये प्रश्न तो आसान है वैसे, फोटो की जरूरत है नहीं आपको, है ना। कौन से वाले में से करवाऊँ यार, मैं दोनों फोटो ही दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, दोनों फोटो देख लो बेटा आप, फोटो से थोड़ा है ना याद रखना आसान हो जाता है। हाँ, चलो बेटा आप देखो, इसमें यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक नदी यहाँ आके और एक नदी यहाँ आके मिल रही है, ठीक है। जो मिल रही है बेटा, इसका नाम क्या है आपका? देवप्रयाग, देवप्रयाग। देवप्रयाग के अंदर कौन कौन सी नदी मिलती है आपकी? भागीरथी प्लस अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा यहाँ पे देवप्रयाग में मिलती है, और जैसे यहाँ से मिलके आगे चलती है तो इसका नाम बढ़ जाता है आगे, फिर गंगा। देवप्रयाग से आपकी गंगा स्टार्ट हो जाती है। गंगा में जब आके आपकी यमुना नदी मिल जाती है, तो यमुना कहाँ पे मिलती है बेटा? गंगा में। कभी पर्सन आ जाए आपके पास कि गंगा प्लस यमुना कहाँ मिलती है, तो आपको बताना है। हाँ, ये बताओ आपका गंगा और यमुना कहाँ पे मिलती हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें देखो, शारदा नदी, घाघरा नदी, ये ताप्ती होना चाहिए यहाँ पे शायद, हाँ, और गंडक, ठीक है, ये नदियाँ मिलती रहती है। कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक। क्यों कहते हैं? ये तिब्बत से आती है भाई। कोसी नदी कहाँ से आएगी? तिब्बत से निकलती है, और तिब्बत से निकल के फिर प्रवेश करती है नेपाल में, और नेपाल से फिर प्रवेश करती है आपकी बिहार में, ठीक है। और बिहार में मिलके फिर आगे ये किस में मिल जाती है बेटा? गंगा में, भागलपुर के पास गंगा में मिल जाती है। गंगा ऐसे बड़ी होती रहती है, क्योंकि इसका जो रास्ता है ना, वो मतलब थोड़ा ऐसा सा है कि बदलता रहता है, बदलता रहता है, तो एक मुख्य धारा बन नहीं पाती, तो फिर इसके कारण ये इधर उधर पानी होता रहता है और बाढ़ आती रहती है इसके कारण, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, इसके बाद देखिए, हाँ, यहाँ पे फिर आके एक तरफ तो ये हुगली नदी बन जाती है, इधर आपकी आ रही है देखो, वेस्ट बंगाल में चली गई, और एक आपकी चली जाती है बांग्लादेश में। तो कई बार ये कहा जाता है कि बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश में जब गंगा जाती है तो गंगा का नाम क्या होता है? बांग्लादेश में गंगा का नाम, ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, इसका नाम होता है बेटा पद्मा, ठीक। ये दो शाखाएं यहाँ से अलग अलग फैल जाती है, ठीक है। फिर आगे जाके इसमें बहुत बड़ी नदी दिख ही रही होगी आपको, ये ब्रह्मपुत्र, खतरनाक ही है ये। हाँ, ये ब्रह्मपुत्र आके यहाँ पे, जहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली होती है, वहाँ पे आके बिल्कुल मिलती है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे गिरेगी ये, ठीक है ना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है यहाँ पे, डेल्टा बनाती है, ठीक, क्लियर। ये आपने नहीं बताया, गंगा और यमुना मिलती है बेटा प्रयागराज में, पहले इलाहाबाद कहते थे, इसका नाम आज है प्रयागराज, ये मिल जाती है। तो कुल मिला के आप देवप्रयाग जो है आपका कहाँ पड़ता है बेटा? देवप्रयाग जो है ये टिहरी जिले में है, टिहरी जिले में। टिहरी में बांध भी है बहुत बड़ा, सबसे ऊंचा बांध इंडिया का, और टिहरी आपकी पड़ती है उत्तराखंड में, मैं जिसको यूके लिख दूँ। तो कुल मिला के आपका प्रश्न जो है वो बनता है
उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड से आपकी गंगा नदी निकलती है। क्लियर। अब मैं आगे चलूँ, और कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, एक चित्र और है वैसे दिखाऊं तो आपको गंगा नदी का ही। हाँ ये ले लिया ना, ये वाला लेते हैं चित्र। अब इस चित्र में भी आपको कुछ कुछ चीजें शायद दिखाई पड़ जाए, है ना। ये देखिए, हाँ तो यहाँ पे गंगा नदी निकल रही है यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो इसकी सहायक नदियाँ देखो, रामगंगा, यहाँ पे गोमती, ठीक है, बेतवा, केन, और ये सोन नदी, दामोदर नदी, महानंदा, यहाँ आगे पद्मा बन गई, कोसी यहाँ से आ रही है, गंडक है, ठीक है, घाघरा है। तो कई बार सहायक नदियाँ भी पूछ ली जाती है, तो इसको थोड़ा सा देख लोगे तो थोड़ा अंदाज़ा रहेगा। गोमती नदी जैसे यहाँ से आ रही है, ठीक है ना, कुछ कुछ याद रह जाएगा। चलो अब मैं आगे चलूँ। हाँ तो मैना को गुड इवनिंग। अब आपको पौधों के पास लिए चलता हूँ। हाँ कौन से पौधे होते हैं जो नग्न बीजित होते हैं, या जिनके जो बीज होते हैं, हाँ जिनको मैं कह सकता हूँ नग्न बीज। कहने का मतलब यही हो गया कि इनके बीज है ना जो, वो छिलकों में लिपटे हुए नहीं होते, है ना, बीज सीधे दूर से दिख जाते हैं बीज कई पौधों के, तो वो वाली बात हो रही है। और उनका नाम जो है वो है ये आपका जिम्नोस्पर्म। क्या नाम है बेटा? जिम्नोस्पर्म, जो नगन बीजित होते हैं, ठीक, नगन बीज, या यूं कह सकते हो कि बीज आपका जो होता है वो खुली स्थिति में होता है, ओपन, उसके ऊपर छिलका ना हो, खुली स्थिति में बीज आपका ओपन अवस्था में होता है, ओपन। क्लियर है बेटा। और इसके बारे में देखें तो क्या है, चित्र यहाँ लग जाएगा क्या? यहीं लगा के देखते हैं चित्र को। एक तरह से इन प्लांट्स को पता है क्या कहते हैं? सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स कहते हैं। इसका उद्देश्य ज़्यादा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीजों का उत्पादन करना, ठीक है ना। हाँ इसमें आपको ऐसे बीज नगन अवस्था में बहुत सारे मिलेंगे ऐसे खिले हुए, ठीक है ना। हाँ तो इनको क्या कहा जाता है? सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। ये आ जाएंगे आपके, क्लियर। अब आगे चलूँ मैं। आवर्त बीजी पे कल क्वेश्चन आया था, इस पे क्वेश्चन कल आया था, और ये क्वेश्चन DSSS में 2024 में ही आया हुआ है। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी करा दीजिए। छाया, वैसे तो अभी शाम हो चुकी है, छाया और धूप दोनों ही दिखाई नहीं दे रही, पर बात यह कि छाया कि कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है। बाकी बच्चे बताओ भी कितने बजे होता है कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नोटबुक पे? किसी को बताओ तो छाया को बताओ। हाँ आवर्त बीजी जो होते हैं कि जिसमें मान लो आवर्त मतलब आवर्ती फ्रीक्वेंसी, बार बार बीज हो, बार बार बहुत सारे बीज हो, और जो बीज हो वो किस में हो? छिलके में हो, छिलके में। इसका एक उदाहरण भी दिया था मैंने कल, गेहूं पे प्रश्न आया था। गेहूं को क्या कहा जाता है बेटा? आवर्त बीजी कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ ये कर लेना, ये कल आया था। हाँ अब देखिए नेक्स्ट, द चिपको मूवमेंट, इसके बारे में सुना होगा काफ़ी आपके बच्चों ने, है ना। चिपको मूवमेंट के जो नेता थे वो कौन थे भाई? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ चिपको आंदोलन की। आपको जल्दी जल्दी जो भी आप जानते हो इसके बारे में बताना है बेटा। चिपको आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, उस नेता का नाम बताओ, कब स्टार्ट किया गया था, उस वर्ष का नाम बताओ, स्थान बताना है कि ये कहाँ स्टार्ट किया गया था, ठीक है, और इसके ऊपर ये बुक लिखी गई है, ठीक है। हाँ तो ये बुक किसने लिखी है ये इसमें प्रश्न में पूछा गया, जिसको अवार्ड भी मिला है बाकायदा, ठीक है ना। हाँ तो इन चीज़ों को बताओ आप बेटा, ठीक। सुंदरलाल बहुगुणा, मानसी गुलाटी। भैया एक बात बता दूं मैं मानसी गुलाटी के बारे में, और ज़्यादा तो नहीं, ये सुंदर बहुत है, ठीक है। हाँ ये क्या है? ये सुंदर बहुत है। संजीव सान्याल, एक प्रश्न कल आया था जिसमें ये ऑप्शन था। संजीव सान्याल जो है वो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है,
ठीक है, और जो आपके प्रधानमंत्री है ना उसकी जो एडवाइजरी काउंसिल है, एडवाइजरी काउंसिल कई सारी होती है जिसमें इकोनॉमी वाली, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, मैं इकोनॉमिक वर्ड लिखना भूल गया था, आर्थिक सलाहकार की समिति जो है उसके क्या है भी वो सदस्य हैं। और इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे इन्होंने 5-6 साल तक लिखा है, ठीक। ये हैं संजीव सान्याल। शेखर पाठक कौन है भाई? शेखर पाठक जो हैं वो हैं आपके लेखक, साथ में ये ट्रैवलर भी हैं, घूमते रहते हैं, और क्या है, ये एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवा के कामों में क्या है आगे आते हैं। एज इनकी है 74 वर्ष, और इन्होंने 72 की उम्र में ये बुक लिखी है जिस बुक का ऊपर जिक्र किया गया आपका, कितनी बड़ी बात है ना। और इसके साथ इनको क्या मिला हुआ है बेटा, पद्म श्री अवार्ड भी मिला हुआ है, पद्म श्री। और ये बेटा यूके के हैं, यूके का मतलब उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, और यही इसका ऑप्शन है, ये कोई मतलब प्रसिद्ध चेहरा नहीं है। हाँ, मानसी गुलाटी को हम भूल गए थोड़ा सा, ठीक है ना। हाँ, मानसी गुलाटी योगा को लेकर बहुत फेमस है, ठीक है, प्रसिद्ध लेखक है, इसकी पुस्तकें काफ़ी बिकती है। हाँ, और पत्रकारिता भी करती है, मतलब पत्रकारिता को आप कम लगा सकते हो, योगा और सुंदर बहुत है। अच्छा, गौरा देवी, हाँ, यूके में, ठीक है, 4 बजे हुई थी मैराथन। अच्छा, कोमल कह रही है कि आपसे पढ़ा हुआ याद बहुत रहता है, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ मुझे, नेता तो आपने बता दिया, किसने बताया, सुंदरलाल बहुगुणा, ये मेन नेता कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा, इसमें तो मेधा पाटेकर भी थी, ठीक है ना, कई और नेता भी थे, बट इसमें जो महिला के तौर पर नेता जो थी ना, महिला के तौर पर, वो थी गोरा देवी, गोरा देवी। वर्ष 1973 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अच्छा, स्थान था इसका उत्तराखंड ही, उत्तराखंड का आपका गढ़वाल रीजन, गढ़वाल क्षेत्र। हाँ, ये विरोध कर रहे थे पेड़ काटने का। बुक आपकी ये लिखी गई है, जिसको किसने लिखा है, शेखर पाठक ने लिखा है, शेखर पाठक ने। एक चीज और आती है चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई, अगर आपको ध्यान में हो, आपने सुना हो तो। एक बात और बता दूं, यहाँ पे वैसे मैं लिख उत्तराखंड जरूर रहा हूँ, पर 1973 में ये यूपी हुआ करता था, यूपी 1973 में, तब उत्तराखंड नहीं था, ठीक है ना। कोई अलग वीडियो आकाश किस चीज़ की चाहिए, टारगेट स्कोर जेल वार्डर का, बेटा मैं लिख लेता हूँ, जेल वार्डर कट ऑफ, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, कि कई बार लोग है ना इसको चिपको आंदोलन को बिश्नोई से जोड़ते हैं, है ना, चिपको आंदोलन, ठीक है, और इसको किससे जोड़ते हैं, बिश्नोई समाज से, सुना है आपने, बिश्नोई समाज। और आपको पता है बिश्नोई सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, जो गुरु जम्भेश्वर को ज़्यादा मानते हैं, बिश्नोई सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो रहते हैं राजस्थान में, अगर आपने सुना हो, नहीं सुना हो मुझे पता नहीं, बिश्नोई समाज राजस्थान में रहते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे भी ये हुआ था, खेजड़ी के जो वृक्ष है ना उनको लेकर। तो अब कहेंगे कि ये मामला उत्तराखंड का राजस्थान का कैसे आ रहा है, देखो राजस्थान में जो हुआ था वो 1731 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और उस टाइम इसको किसने किया था, उस टाइम किया था अमृता देवी ने, अमृता देवी ने, ठीक है। और खेजड़ी के जो वृक्ष होते हैं ना राजस्थान में, काफी वो उपयोगी माने जाते हैं, फेमस हैं, सीटेट में ईवीएस के ऊपर भी कई बार प्रश्न आया हुआ है राजस्थान में, कौन से वृक्ष के ऊपर, खेजड़ी के जो वृक्ष होते हैं इनको बचाने के लिए। उस टाइम राजशाही हुआ करती थी, तो उस टाइम क्या हुआ था कि 363 मौत भी हुई थी इसके
ठीक है, तब जाके इन्होंने फिर भी मना कर दिया था कि हम पेड़ों के ही चिपके रहेंगे। तब जाके जो राजा है उन्होंने क्या किया गया थे, पेड़ काटना क्या किया था, बंद किया था। तो ये तब जाके सफल हुआ था आंदोलन, ठीक। फेज 12 सेफ कोर, हाँ बेटा मैं लिख लेता हूँ, फेज 12 सेफ कोर, इसके बारे में भी बात कर लेंगे हम। इसके बाद मैं क्या करूँ, आगे चलूँ, मुगल सम्राट के पास चलते हैं। नहीं, उनके पास कैसे जाएंगे, वो तो अभी ऊपर चले गए, जहांगीर। हाँ किसी बच्चे ने, मैंने एक पूछा था कि हम एसएससी की क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं 3 एग्ज़ाम के लिए, फेज 12, CHSL और CPO के लिए, तो कौन कौन जो है उसमें सहयोग करेगा एसएससी के बच्चों तक हमें पहुंचाने में। तो उसमें किसी ने हाथ ऊपर या नाम नहीं लिखा। हाँ तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें, मतलब ये है ना कि थोड़ा सा डीमोटिवेट करेगी, हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें दिखेगा ना कि 15-20 बच्चे क्लास में आने वाले हैं तो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन तक टीचर फिर शिकायत करने लग जाते हैं कि सर ये क्लास बंद कर देते हैं। DSSS भी कहा प्रैक्टिस सेट को बंद करने के लिए, मेरे टीचर मुझे कम से कम 20 दिन से कह रहे हैं, 20 दिन से। जब भी हमारी साप्ताहिक मीटिंग होती है, हर मीटिंग में यही मुद्दा उठता है। स्पेसिफिकली नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि आप वहां जाके शिकायत करोगे, कमेंट में लिखोगे सर आप बंद करने का क्यों कह रहे थे, पर मैं ये कह रहा हूँ। इसलिए बच्चों मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस 2 बच्चे हमारे किसी भी क्लास में रहे, हम हर क्लास चला सकते हैं। हाँ ठीक है, हाँ तो बेटा हम चलाएंगे, बस आप साथ देना, ठीक। मुगल सम्राट जहांगीर, ठीक है ना, हाँ जहांगीर, जिनका बचपन में नाम सलीम भी था, और सलीम के साथ एक किस्सा किसका जुड़ा था भाई, सलीम के साथ एक किस्सा जुड़ा था अनारकली का, आपने काफ़ी सुना होगा। अनारकली कौन थी, इसके रेफरेंसेस मिलते हैं कि अनारकली जो है वो अकबर के हरम में थी। हरम, हरम समझते हो आप, हरम वर्ड कौन कौन बच्चा जानता है एक बार बताना आप, या हरम होता क्या है चलो ये बताओ। यहाँ पे ये भी रेफरेंस मिलते हैं अनारकली के बारे में कि जो अकबर की पत्नी थी ना, अकबर की पत्नी की क्या थी, वो नौकरानी थी, ठीक है। हाँ और उसके बाद विवाद क्या उठता है कि उसके बाद इनका जो सलीम और अनारकली का क्या चल पड़ता है, प्रेम प्रसंग चलता है, जिससे अकबर नाराज हो जाता है, अकबर को बहुत दुख पहुंचता है इससे कि इसको, कि इसको मेरी ही मतलब गर्लफ्रेंड मिली थी, मेरा ही बेटा होके। हाँ जहाँ औरतों का रूम, औरतों का कमरा तो हमारे घरों में भी होता है। आज रीजनिंग की क्लास नहीं लगी क्योंकि सर कंप्यूटर की मैराथन करवा रहे थे। हाँ प्रदीप बेटा बंद नहीं करेंगे हम, इसी क्लास को कंटिन्यू कर देंगे कि हम SSC क्लास स्टार्ट कर देंगे, वहाँ पे आपकी सारी क्लास चलती रहेंगी, आप लगाते रहना, ठीक है ना। SSC क्लास ही चलेंगी आपकी, इंग्लिश की, GS की, मैथ की, रीजनिंग की, क्योंकि आप DSSS भी बच्चे हैं तो आप सेम सब्जेक्ट वही हैं, आप वहाँ भी लगाते रहना क्लास। हाँ पर आपके क्योंकि हिंदी भी आता है, कंप्यूटर भी आता है, बस थोड़ी सी कोशिश करना कि हमारी क्लास में 100 बच्चे रहे। हालांकि हम SSC क्लास चलाएंगे, बट आपके लिए स्पेशल हम हिंदी की और कंप्यूटर की क्लास भी चालू रखेंगे ताकि आपको नुकसान ना हो। बच्चे बहुत कम हो गए फिर बंद करें टीचर, तो मुझे मत कहना, मैं कितने दिन टीचर को कह पाऊंगा, मैं रोज़ कहता हूँ सर करो कोई बात नहीं, करो कोई बात नहीं, है ना। बस ये थोड़ा सा आपसे सहयोग मांगूंगा मैं। हाँ SSC DSSS का लेवल कम समझ रहे हो आप, आपने देखा है साइंस के खास कर क्वेश्चन आते हैं, मुझे तो लगता है DSSS का लेवल थोड़ा अप है उससे SSC से। हाँ एग्जाम तक चालू रखेगी क्लास। हाँ बेटा अब ये बताओ DSSS भी MTS के लिए कोई अलग क्लास होगी क्या बेटा, यही GS की क्लास है, ऐसे ही GS के पर्सन होते हैं बेटा। हाँ उसमें अब यही क्लास, आप इसमें ऊपर बोर्ड पे SSC लिख दिया जाए उससे क्या फर्क पड़ जाएगा आप बताओ। और फिर हमने कितने तो प्रैक्टिस है DSSS भी करवाई दिए, और भी करवा देंगे पेपर आएगा तो पास। हाँ स्पेशली PYQ DSSS के हम, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया प्रदीप, प्रदीप को तो उम्मीद है। इसमें क्या होता है कि हरम एक इस टाइप की एक जगह होती थी जहाँ पे, अब देखो राजा कितनी शादियाँ करेगा, 10 कर ले, 20 कर ले, बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। तो अब समस्या आ जाती थी कि शादियों की कोई लिमिट होनी चाहिए,
तो क्या करते थे फिर कि कुछ के साथ तो शादियां कर लो, बाकी कोई कहीं भी सुंदर लगी उसको उठा लाओ हरम में रख लो। हरम में रख ली वो उनकी पत्नी नहीं होती थी, पर पत्नी के साथ जो काम करते हैं वो सारा काम उनके साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, जब मन हुआ जिसके साथ मन हुआ, तो ऐसा कुछ सिस्टम ही चलता था। बाकी आप समझ ही गए होंगे, समझदार बच्चे हैं आप। हाँ अच्छा, अब इसमें क्या था कि अब इन्हीं की गर्लफ्रेंड पे इन्होंने नजर डाली तो बोला कि बेटा तो बदतमीज हो गया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अकबर ने नाराज होके फिर क्या किया, अनारकली का क्या किया था भाई, अनारकली को दीवार में, ठीक है, चिनवा के क्या कर दिया, उसको मार दिया था, जिससे जहांगीर बहुत दुखी हुआ था। हाँ, मरने के बाद भी जहांगीर उससे प्रेम करता था, ये बात अलग थी कि उसके बाद भी एक दर्जन शादियां जहांगीर ने और कर ली थी उसके प्रेम के गम में, वो एक अलग विषय है। हाँ, उसके बाद जिक्र आता है क्या है, नूरजहां। ये नूरजहां की उपाधि किसने ली थी, देखिए रजिया की जहां तक मैं बात करता हूं, रजिया सुल्तान अगर मैं लिखूं इसको, मैं अगर यहां पे बता देता हूं, थोड़ी जगह है रजिया। रजिया के बारे में क्या क्या जानते हो, लिखते जाओ आप। एक तो इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश तो जानते होंगे आप, ये सेकंड गुलाम वंश का शासक था। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट कराया था। उसके बाद इल्तुतमिश बना था सेकंड गुलाम वंश में शासक, सेकंड वाला, उसने कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा करवाया था, ठीक है। हाँ, टीचर स्टूडेंट मीटअप भी रखेंगे, ठीक है ना। हाँ, मीटअप कब रखें आप बताओ, आप लोग बताओ कि मीटअप कब रखें। दिल्ली में रखना पड़ेगा क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, आप बच्चे अलग अलग जगह रहते हैं, ये थोड़ी सी दिक्कत है। दिल्ली में तो हम रख सकते हैं इजीली। हाँ, आप लोग बताओ इस बारे में। अच्छा, ये जो थी इसका जन्म कब हुआ था, 1205 में। इसने शासन कब से कब किया था, 1236 से लेकर 1240, यानी 35 साल की उम्र में तो मरी गई थी ये। अच्छा, इसने, इसके पति का नाम क्या था, पति का नाम अल्तुनिया, ठीक है। हाँ, ये पहली मतलब मुस्लिम शासिका थी, अगर लेडीज में बात करो तो प्रथम मुस्लिम शासिका। हाँ, प्रथम मुस्लिम शासिका। एक बात और है इनके बारे में कि ये पर्दा प्रथा नहीं करती थी, हालांकि रानी है पर्दा प्रथा तो कैसे काम चलेगा। एक चीज और थी कि इनका एक गुलाम था, इनका गुलाम पहले गुलाम बहुत हुआ करते थे, इस वंश का तो नाम ही गुलाम वंशी था। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम ही था, मोहम्मद गोरी का, जिसको वो सत्ता सौंप के और फिर चला गया था। अच्छा, तो जो गुलाम था याकूत, ठीक है, वो क्या सिखाता था, वो सिखाता था घुड़सवारी। घुड़सवारी किसको सिखाता था, वो रजिया को, ठीक है। हाँ, अब घुड़सवारी सिखाते सिखाते कब उसको प्रेम हो गया रजिया से पता ही नहीं चला, तो इनका क्या हो गया आपस में, फिर याकूत और रजिया का क्या हो गया भाई, याकूत और रजिया का चक्कर चल पड़ा, ठीक है। चक्कर समझते हैं आप, चक्कर वो नहीं है जैसे सर में चक्कर आने लग जाते हैं, ये वो वाला चक्कर है कि एक बार हो जाए तो बाद में फिर बहुत चक्कर खाने पड़ते हैं आपको, ठीक है ना। हाँ, और इसको लेकर जो रजिया को काफी आलोचना होने लगी, खासकर वहां पे जो तुर्क थे वो बहुत आलोचना करने लग गए, ठीक है ना, क्योंकि हर कोई नहीं चाहता था कि एक महिला हमारे पे शासन करे, वो उनको बहाना चाहिए था कि उसको हटाने का, तो ऐसा करने लगे। तो फिर क्या हुई कि फिर आलोचना से मजबूर हुई वो, ठीक है। तो मजबूर वश उसने क्या किया था, शादी की थी मजबूरी में, ताकि ये दिखे कि देखो अब ठीक है, इसके लड़के के चाल चलन ठीक है ना, शादी कर ली है, घर बसा लिया है, ठीक है। बट वो नाम मात्र का पति था उसका, उसका चक्कर फिर भी याकूत के साथ चलता रहता था। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि विद्रोह हो गया और आपस में लड़ाइयाँ होने लगी काफ़ी, तो बाद में इसको मार दिया गया था, ठीक है ना। हाँ, कैथल के पास इन दोनों को ही मार दिया गया था। तो रजिया सुल्तान के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब आती है मेहरुनिशा। मेहरुनिशा कौन थी, मेहरुनिशा के बारे में आप बच्चे बताओ, क्या क्या जानते हो आप मेहरुनिशा का। बताओ बेटा, अफगान खान
पत्नी थी, और पत्नी थोड़े दिन नहीं रही थी, कम से कम 13 वर्ष। अब आप पूछोगे अफगान खान का क्या हुआ, अफगान खान को भाई मार दिया, हाँ इन्होंने युद्ध में मार दिया। अब जिनको मार दिया जाए और उनका जो भी बढ़िया माल होता था, मतलब हाथी है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, जो भी, सब कुछ लूट लिया जाता था। अब लूटते थे, अगर कोई उनकी बीवी बहन सुंदर है तो कौन सा वो छोड़ते थे। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि जो इस अफगान खान की पत्नी मेहरुनिसा थी उसको भी उठा लिया, और इनको देखा, देखते ही जहांगीर को इनसे प्रेम हो गया। जहांगीर को प्रेम बहुत जल्दी होता था। इसका एक उदाहरण बताऊं आपको, मेहरुनिसा कौन सी पत्नी थी पता है आपकी जहांगीर की? 20वीं पत्नी थी। अनारकली की याद में वो इतना परेशान हुए, इतना परेशान हुए कि शादियों की उन्होंने लाइन लगा दी और किसी से भी संतुष्ट नहीं हुए। 20वीं पत्नी थी वो भी, वो जो 13 साल किसी और की पत्नी रह चुकी थी, बच्चे बच्चे भी थे उसके, बच्चों बच्चों को भगा दिया, पति को मार दिया और उससे शादी कर ली थी मेहरुनिसा। और मेहरुनिसा ने मतलब काफी साथ भी दिया था जहांगीर का, ऐसी बात नहीं है, मतलब मुगल साम्राज्य चला, ये बहुत तेज दिमाग वाली औरत थी बाकी पत्नियों की बजाय। बाद में इसको काफी मतलब इज्जत सबसे ज्यादा मिलती थी नूरजहां को बाकी पत्नियों की बजाय, ये 20वीं पत्नी थी। तो मेहरुनिसा को नूरजहां की उपाधि मिली थी ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम फातिमा की। फातिमा की बात करें तो फातिमा जो थी वो कौन थी भाई? पुत्री थी। पुत्री किसकी थी? पैगंबर मोहम्मद की। पैगंबर मोहम्मद की, ठीक है। हाँ, इन्होंने शादी की, शादी किससे की? अपने चाचा से। चाचा कौन थे? पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई अली, अली से इन्होंने शादी कर ली थी। हाँ, बाद में इनको भी मार दिया था क्योंकि वहाँ पे जो अबू बकर था, जो एक तरह से इन्हीं का ही फॉलोवर था, पैगंबर मोहम्मद का ही, जो कि फातिमा से शादी करना चाहता था और वो खलीफा बनना चाहता था, ठीक है ना। हाँ, उत्तराधिकारी मोहम्मद का वो बनना चाहता था, पर इन्होंने अपनी बेटी की शादी अली के साथ करा के अली को कहा कि अली उत्तराधिकारी है। अबू बकर और ये बुरा मान गए, इन्होंने इनको ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद जो धर्म है मुस्लिम धर्म आपका दो शाखाओं में बट गया, शिया में, इधर अली वाला आपका शिया का चल पड़ा और वो फिर आपका सुन्नी चल पड़ा एक। हाँ ठीक है। हाँ तो ये, और मोहम्मद साहब ने शायद 11 या 11 शादियाँ की थी लगभग, जो जितना अंदाज़ा है। हाँ अच्छा, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ये कौन थी भी? गुलबदन बेगम किसी को अगर पता हो तो। हाँ, गुलबदन बेगम के बारे में बताऊँ तो ये बाबर की पुत्री थी। बाबर का बेटा कौन हो गया? हुमायूं। ये क्या आ गया? बाबर की पुत्री थी तो हुमायूं की बहन हो गई, तो इसने हुमायूं नामा लिखा था। तो कई बार आएगा आपके, इतना ही आएगा, इसका योगदान और नहीं आएगा। हुमायूं नामा की क्या थी? ये लेखिका थी। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम में लिखा था। अकबर ने एक्चुअली कहा था कि आप हुमायूं को जानती हैं, ठीक है ना। हाँ, बाबर तो बहुत जल्दी मर गया था जब ये छोटी थी, बिल्कुल छोटी सी थी तभी तो मर गया था बाबर। बाबर का देहांत तो 1630 में हो गया था, ये तो जाके मतलब कोई 1670-80 में जाके मरी थी, 72 में पता नहीं। तो कुल मिला के ये था कि हुमायूं का मतलब पूरा जानती थी, तो अकबर ने कहा तो उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था, ठीक है। तो मैंने ये सारे बता दिए और सही उत्तर हो जाएगा इसका मेहरुनिसा, ठीक है। अब पता नहीं मीटअप के बारे में किसी ने कुछ लिखा था, मैंने मिस कर दिया होगा। हाँ ठीक, वो बताना बेटा, किसी ने लिखा तो ऊपर चला गया होगा। हाँ, नागौर, नागौर कहाँ पे अभी बताओ पहले तो। नागौर में पशु मेला लगता है, ठीक है ना। हाँ, पशु से मैं बात करता हूँ तो पशु पे, यहाँ पे वैसे तो सारे पशु आते हैं, खासकर आपके ऊंट, बैल, घोड़ा, ठीक है ना। हाँ, गाय, भैंस, ऐसे मतलब बहुत सारे पशु आते हैं बिक्री के लिए, ठीक है। हाँ, तो इनका मतलब क्या होता है कि सेल और परचेज का काम होता है, कोई खरीदने वाला आता है तो कोई बेचने वाला आता है, ये तो होता ही होता है। दूसरा, ये आपका एनुअल है, एनुअल सिस्टम है इसका, मेले लगा लगने का, हर साल लगता है, और इसमें लगता है ये जनवरी फरवरी में, और ये बेस्ट टाइम भी होता है जनवरी फरवरी का, राजस्थान के हिसाब से बाद में गर्मी हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, और
यहाँ पे मतलब क्योंकि मेला लगेगा तो यहाँ पे सांस्कृतिक उत्सव वगैरह सब कुछ होता है, मतलब ऐसा नहीं कि पशु ही बिकते हैं, लोग देखने के लिए जाते हैं मेला, सांस्कृतिक उत्सव भी उसमें होते हैं। राजस्थान का ये मेला है, ठीक है। तो मैना राजस्थान से ही है मेरे ख्याल से, मैना कभी गए हो इसमें? नागौर में एक बहुत बड़ी गौशाला भी है, बहुत बड़ी फेमस। अब आपको युद्ध बताना है, प्रश्न आपको पता ही लग गया क्या है। किस युद्ध में पृथ्वीराज का भाई था गोविंद राज, इसको मोहम्मद गोरी ने मार डाला था, इस पृथ्वीराज को भी मार डाला था, और भाई को कौन सा छोड़ना था। ये देखो डी ट्रिपल एस पी की ये खासियत है, ये ऐसे प्रश्न पूछेगा जो कहीं सुना ही ना हो। मैंने तो गोविंद राज डाला गूगल पे, आया ही नहीं। फिर डाला कि मोहम्मद गोरी ने गोविंद राज को कब मारा, तो भी नहीं आया। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है, पर आप अंदाजा लगा सकते हो बहुत अच्छे से कि 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध था, ये किसने जीता था भाई? इसमें गोरी जीता था और पृथ्वीराज आ रहा था। तो स्पष्ट सी बात है कि इसी में उसने उसको अपने भाइयों को सबको मारा होगा, और आंसर की में यही था। हाँ जीके से डरने से काम तो नहीं चलेगा ना, जीके में नंबर तो लाने पड़ेंगे। इसका बताओ, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची, इसकी मेरे पास एक फोटो है, मैं सारी आपको एक बार भाषा कल तो दिखाई थी मैंने आपको, है ना। मैं चाहता हूं कि आज और दिखा दूं, तो ये ऐसा धीरे धीरे करते हैं ना, हमारी याद हो जाएगी ये भाषाएं। क्या कहना है आपका? और उससे फिर अंदाजा, वैसे तो बच्चों को पता होगा ये प्रश्न आसान है, फिर भी एक बार नजर पड़ ली जाए, है ना। बहुत हम क्या कहते हैं, बहुत एहतराम तेरा, तेरे इंतजार की खातिर, है ना, हम बस यही एक नज़म लाए हैं तुम्हारे तुम्हारे दीदार की खातिर, है ना। तो इसका दीदार कर लीजिए, इनका दीदार करेंगे तो आपको फायदा होगा एग्जाम में, कहीं ना कहीं नज़रें कहीं और मिलेंगी, ठीक है ना। हाँ तो फिर नज़रें बाद में पछताती रहेंगी। हाँ अंग्रेजी शामिल नहीं है, बिल्कुल देख लो इसमें अंग्रेजी नहीं है, ये रही। और इसमें कई बार प्रश्न आता है कि मूल संविधान था तब कितनी भाषाएं थी उसमें बेटा? 8वीं 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, तो अब कितनी भाषाएं हो गई हैं आपकी 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाएं। अनुसूची कई बार पूछ लेता है जिसमें भाषाओं का जिक्र हो, तो है इसमें 8। फायदा क्या है अनुसूची में रखने का? अनुसूची के लिए क्या है, अनुसूची में जो भाषा है ना वो केंद्र की जिम्मेदारी है। पढ़ते तो रहते हैं कि जी ये अनुसूची में ये भाषा वो ज्यादा, क्यों रखा अनुसूची में, बाकियों को क्यों नहीं रखा अनुसूची में? अभी भी 38 भाषाओं की और मांग उठी हुई है कि इनको अनुसूची में शामिल किया जाए 8वीं अनुसूची में, केंद्र सरकार के पास रिक्वेस्ट तक गई हुई है। हाँ अच्छा, तो केंद्र की जिम्मेदारी है कि जो 8वीं अनुसूची में भाषा है उस भाषा को क्या करे, वो उस भाषा को प्रमोट करे, ठीक है। हाँ उस भाषा के लिए वो सेंटर खोले, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। उस भाषा के बारे में मान लो कोई शिक्षण संस्थान वगैरह खोले, हाँ, और उस भाषा के प्रचार के लिए अलग से बजट या पैसा अलोकेट करे, तो इसलिए हर कोई भाषा इसमें शामिल होना चाहती है। ठीक। तो अब इसमें देखें, इसमें कई बार एक प्रश्न और भी आता है कि शास्त्रीय भाषा कितनी है? शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा बेटा है आपकी 6। शास्त्रीय भाषा वो है जिन भाषाओं में शास्त्र लिखे गए थे, पुरानी भाषाएं मतलब, है ना। तो इसमें पुरानी भाषाएं कौन सी है? बताओ बेटा। देखो तमिल में आपका लिखा गया था, और किस में लिखा गया था? कन्नड़ में, मलयालम में, संस्कृत में, दो तीन एक चार हो गई, तेलुगु में 5, उड़िया में 6। ये 6 आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं जिनमें तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। हाँ ठीक, प्रिया को बहुत अच्छे से याद है। हाँ
अच्छा, श्वेता नंबर है फिर आपके पास? मुझे पता नहीं, या आपका मेरे पास, कैसे बात करेंगे कुछ बताना। हाँ चलिए, अब मैं आपको पर्सन पे लिए चलता हूँ। इसमें अंग्रेजी जो भाषा है ना, वो शामिल नहीं है इसमें। अब मुझे ये बताओ जल्दी से, गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे 2023 में, ठीक है? हाँ, नेशनल गेम्स होते हैं, 2024 का तो होना बाकी है। इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसको चुना गया था? एक खास बात बताऊं, ओलंपिक में आपने देखा है ना कि सबसे ज्यादा जो मेडल लेने वाले खिलाड़ी होते हैं ना, या तो वो दौड़ करने वाले होते हैं, एथलीट को ज्यादा मिलते हैं। अब बैडमिंटन वाले को तो एक ही मिलेगा, दौड़ करने वाला कभी 100 में भी दौड़ेगा, 200 में भी दौड़ेगा। एक माइकल फिलिप्स था, ऑस्ट्रेलिया का तैराक था शायद, माइकल फिलिप्स, किसी ने नाम सुना है? उसने एक ओलंपिक में, शायद बीजिंग वाला था क्या, उसमें 8 उसने पदक जीते थे। तैराकी की अलग अलग प्रतिस्पर्धाएं होती है, बैक स्ट्रोक, ये स्ट्रोक, वो स्ट्रोक, है ना, बिना स्ट्रोक। तो ऐसे यहाँ पे श्री हरि नटराज है, वो क्या है भाई, वो है तैराक, ठीक है ना? हाँ, तो ये नेशनल गेम में छाया रहा था बंदा। वैसे तो ये जो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप है उसमें भी भाग ले चुका है, पर अभी पदक वदक वहाँ लेना बाकी है, पर यहाँ पे ये अच्छा परफॉर्म किया था इसने। अब हम चलते हैं उपराष्ट्रपति के पास। हमारे उपराष्ट्रपति कौन है पहले तो ये बता दो भाई, ठीक है ना? हाँ, उपराष्ट्रपति का नाम है, आपने वो बताना है। दूसरा, वो मान लो किस राज्य से हैं, आपको वो भी बताना है, ठीक? और बताओ। हाँ, और पहले, इससे पहले वो कहाँ थे, पहले उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो क्या थे, वो भी बताओ। जहां तक इनके चुनाव की बात होती है, तो चुनाव में मैंने बताया है, वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका चुनाव जो होता है वो जनता द्वारा नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है? दूसरी बात, जनता किसको चुनती है भाई? जनता चुनती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है ना? हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं ना, वो आगे चुनते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इसमें भाग कौन कौन लेते हैं बेटा? भाग लेते हैं लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर। लोकसभा में 543 स्थिति है आज की, और राज्यसभा में 233 और प्लस 12। अब ये जो 12 लोग हैं ना, ये वोट डालते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, पर राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं डालते, क्योंकि राष्ट्रपति खुद ही इनको नॉमिनेट करता है। पर अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तब जरूर वोट डालेंगे ये। जगदीप धनपड़ हैं, धनखड़ हैं, ये राजस्थान से है बेटा, आंध्र प्रदेश से नहीं है। हाँ, धनखड़ से अंदाजा लगा लिया ना, जाट है ये। क्या नाम है? जगदीप धनखड़। धनखड़ जो है बेटा, वो आपके मिलेंगे आपको दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में। राज्य कौन सा इनका? राजस्थान। और इससे पहले क्या थे ये? ये वेस्ट बंगाल के क्या थे, गवर्नर थे, और ममता दीदी से उलझे रहते थे वहां पे, ठीक है? हाँ, वहाँ ममता दीदी से टक्कर लेने का ही इनाम शायद इनको मिला है कि उपराष्ट्रपति बनाया गया है। हाँ, वीर सही कह रहा है अभी। हाँ ठीक है श्वेता, हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो अब मैं इसमें से कौन सा लगाऊंगा? केवल सांसद इसमें लेंगे, विधायक नहीं लेंगे, ठीक है ना? हाँ, सांसद और विधायक मिलके, मतलब कि एमपी भी हो जिसमें और एमएलए भी हो, ऐसा चुनाव किसका होता है? ये होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति वाले में एमएलए भी वोट डालते हैं, ठीक है? जनता सीधा किसको चुनती है? जनता सुनती है सीधा एमएलए को, ठीक है? और किसको चुनती है जनता? सीधा एमपी को चुनती है, जो ये संसद में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, ठीक है? केवल विधायक वोट डालते हो जिसमें, केवल विधायक। ऐसा कोई चुनाव होता है कि ये टफ है थोड़ा सा, ये मैं आप बच्चों से पूछूंगा। हाँ अच्छा, 17 मई को उनकी पासिंग आउट है। अच्छा हाँ, बहुत लंबा टाइम है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप दोनों आना, दिल्ली में ही हैं हम। ये बहुत मुश्किल है, मैं बता ही देता हूँ आपको, आएगा नहीं। जो विधायक होते हैं ना बेटा, विधायक जो है वो राज्यसभा के एमपी चुनते हैं, राज्यसभा के एमपी इनसे चुने जाते हैं बेटा, ठीक है ना? लोकसभा के एमपी जनता चुनती है, राज्यसभा के एमपी एमएलए चुनते हैं आपके इनडायरेक्ट। इसके बाद में देखूं, इस पर्सन में जो आपकी नेशनल इनकम होती है उसमें किसका योगदान नहीं होता? जो एक्सपेंडिचर होता है उसका तो होता है, जितना भी आपका अगर एक्सपेंडिचर करोगे, जैसे श्वेता एक्सपेंडिचर कर रही है,
वो मान लो गोलगप्पे खा के आई, श्वेता गोलगप्पे खाते तो ना आप, ऐसा तो नहीं, परहेज तो नहीं है ना। मान लो श्वेता गोलगप्पे खा के आई, तो गोलगप्पे वाली क्या होगी, वो इनकम होगी, तो ये तो इसमें शामिल होता है। ठीक है, मूल्यवर्धित, वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड क्या है, जैसे देखो शुरू में आटा पैदा हुआ, आटे का फिर क्या किया कि कुछ नूडल्स वगैरह बना ली, नूडल्स बना बना के पैकिंग करके बेच दी, तो वो जो आटा सस्ता था नूडल्स महंगी हो गई, ये वैल्यू ऐड हो गई, तो ये भी ठीक है। हाँ, इसी से तो इनकम बनती है, क्योंकि एग्रीकल्चर से तो कुछ खास इनकम बन नहीं पाती। अच्छा, बुराड़ी से ही हो, बुराड़ी तो इतना पास में है ये, हम अशोक विहार में रहते हैं। बिल्कुल हाँ, अशोक विहार। अच्छा, इसके बाद इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इनकम तो शामिल करना है, ये देखो राष्ट्रीय आय है, आय तो होगी होगी, अंतिम निवेश, निवेश जो है ये शामिल नहीं होगा इनकम में। क्यों, पता है क्या है? आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल, मान लो कि इन्वेस्टमेंट कैसे लगाऊं, आज आपने फैक्ट्री खोल ली, ठीक है, हाँ फैक्ट्री खोल ली, इनकम तो कभी बाद में आएगी। हाँ, इनकम क्या आएगी बेटा, इनकम बाद में होगी, और जो इनकम होगी ना वो इनकम में शामिल होगी, इनकम बाद में होगी, ठीक है। हाँ, और जो इनकम होगी ना इसको आप नेशनल इनकम में शामिल करोगे, इसको नेशनल इनकम में शामिल करोगे आप, ना कि इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो सकता है 1 करोड़ का हुआ हो, फैक्ट्री खोली, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का हुआ हो, पहले साल इनकम तो 2-3 लाख होगी, इतनी तो होगी, ऐसा तो नहीं पहले साल बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगी इन्वेस्टमेंट की, उतनी की उतनी। हाँ, दिल्ली आ सकते हो, दिल्ली कभी करते हैं प्लान। हाँ, इकोनॉमिक्स नहीं आती, इकोनॉमिक्स मैं पढ़ा दूंगा, और बताओ। हाँ, चेन्नई में एक स्थित कंपनी है, उसने भारत में पूरी तरह से डिजाइन, भारत में मतलब मोदी जी की अच्छी चीज़ ये रही है कि इन्होंने मेक इन इंडिया पे बहुत जोर दिया है, पहले तो सब कुछ चीज़ें हम बाहर से ही लिया करते थे। हाँ, मेक इन इंडिया, अब मतलब ये चीज़ तो अच्छा हुआ है इनिशिएटिव, कि कई चीज़ें भारत में बनने लग गई है, जो चीज़ें हम बाहर से खरीदा करते थे अब तो हम बाहर बेचने भी लग गए हैं, मेक इन इंडिया। इन्होंने अग्निलेट एक बनाया है, अग्निलेट, ये अग्निलेट जो है ये क्या है ये बताना है आपको, ठीक है, बताओ बेटा। ये जो कंपनी की बात कर रहा है ना, ये कंपनी कौन सी है पता है, ये कंपनी है अग्निकुल। प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया इन चीज़ों का, अब तेजी से विकास होगा इन चीज़ों के मामले में, जो इस तरह के रॉकेट हैं, हथियार हैं, जहाज हैं, ये देखो सरकार के भरोसे कुछ नहीं हो सकता, सरकार के भरोसे देखा था कि भारत हमेशा हथियार बाहर से खरीदता ही है 70 साल में, थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा ना, तो जैसे अंबानी हैं और हैं ये लोग तो मतलब प्रोड्यूस पैसे के हिसाब से करेंगे, क्वालिटी की चीज़ पैदा करेंगे और बाहर बेचेंगे, तभी तो बिकेगी वो। हाँ नहीं, मैथ भी पढ़ा देंगे आपको बिल्कुल। इसमें बताओ कि ये जो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है दुनिया का, ये है दुनिया का पहला, कितनी बड़ी बात होती है दुनिया की पहली चीज़ प्रोड्यूस करना, सोच तो सकता था भारत इस मामले में कभी। हाँ, जेल वार्डन का एग्जाम बेटा अभी इलेक्शन के तो बाद ही होगा। भारत ने संघीय ढांचा अपनाया, संघीय, भारत एक संघ है ठीक है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी तब आपको बताया था ना। हाँ, यूनियन ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ स्टेट, ये वर्ड आपने सुने होंगे है ना, भारत राज्यों का संघ है, समूह नहीं है, संघ है, समूह में से अलग अलग हुआ जा सकता है, ग्रुप में से, संघ मतलब उससे अलग नहीं हो सकते, ये फर्क था संघ और समूह में। तो आप जब कोई कोर्ट का डिसीजन सुनते हो तो किसी का केस होता है ना, तो उसमें लिखता है फलाना 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 वर्सेज UI, यानी यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ केस। तो इंडिया वर्ड वहां यूज नहीं होता, ठीक है, तो भारत एक राज्यों का संघ है, ये आ जाएगा आपका, संघ या ढांचे का मतलब ये होता है, संघ होना मतलब। हाई पावर्ड मनी क्या होती है, हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी को इकोनॉमिक्स में H से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। देखिए
एक तरह से नकदी को कहा जाता है ये हाई पावर्ड मनी। किसको कहा जाता है? नकदी को। आपके पास मान लो नकदी है, नकदी में आपके पास क्या होंगे? नोट होंगे और क्या होंगे? सिक्के होंगे। ठीक है, ये नकदी किसके पास हो? जनता के पास। तो आपके पास पैसा है तो वो हाई पावर्ड मनी है, आप तुरंत जेब से निकाल के खरीद सकते हो कुछ भी, है कि नहीं? काम आएगी आपके। एक तो बेटा हो गई आपकी ये, ठीक है हाँ। और दूसरी क्या है आपकी, कि आपका जो करेंसी है, जितनी भी करेंसी किसके अंदर हो? आपके बैंक में। बैंक में करेंसी है, कब मर्जी निकलवा सकते हो आप, चेकबुक लेके निकलवाओ, फोन पे वगैरह चल पड़े आजकल तो, सीधा बैंक में जाने की जरूरत नहीं, सीधा पे कर दो, तो ये काम की है। अब मान लो कई बार क्या होता है कि आपने मान लो शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, ठीक है हाँ, शेयर मार्केट में है आपकी FD है, और बहुत तरीके होते हैं मतलब पैसे के ना, तो और आपने मान लो रियल एस्टेट में लगा दिया, जमीन खरीद ली आपने, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मतलब क्या हो गया, आपने मान लो कोई मकान खरीद लिया, ये भी पूंजी है, बट इसका यूज नहीं कर सकते, ये हाई पावर्ड मनी नहीं है। जब चाहो एकदम जमीन बेच, पता चला कि मकान बेचना है, महीना तो लगेगा मकान बेचने में, और यहाँ पे कोई हॉस्पिटल में एडमिट था, 10 लाख रुपए चाहिए, तो वो तो मर जाएगा तब तक। तो ये जो मनी है आपकी घर पे पड़ी है, बैंक में है, ये तुरंत निकलवा सकते हो आप, है ना, बशर्ते कि बैंक की छुट्टी ना हो। छुट्टी है तो भी बहुत तरीके हैं आपके, ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह। हाँ अच्छा, 1 जुलाई को दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की ट्रेनिंग स्टार्ट है, तो बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ कितने नंबर आए थे आपके, और अभी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो बताना मुझे। तो इसमें कौन सा मैं लूँ, इसमें हाई पावर्ड मनी को क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है, केवल बैंकों द्वारा रखी जाने वाली मुद्रा है, RBI द्वारा किया जाता है, और भारत सरकार द्वारा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। हाँ सिर्फ बैंकों तो नहीं रखते, जनता के पास भी होती है ना। हाँ यहाँ पे जनता नहीं है, क्रिप्टो करेंसी तो इंडिया में लीगल ही नहीं है। हाँ भारत सरकार द्वारा रखी जाने वाली नहीं है, जनता के पास भी होती है, तो RBI द्वारा जारी किया जाता है और भारत सरकार द्वारा किया जाता है हाई पावर्ड मनी का उत्पादन। करेंसी का उत्पादन कौन करता है? करेंसी का कौन करता है? RBI। और आपका जो 1 रुपये वाला सिक्का है वो कौन जारी करता है? वित्त सचिव। तो वित्त सचिव किसका होता है? भारत सरकार का। भारत सरकार और RBI इसलिए दोनों लिखे हैं इसमें, ठीक। तो बेटा इकोनॉमिक्स का थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, थोड़ी में तो आसान से समझ में आ जाता है, पर उम्मीद है थोड़ा समझ में आया होगा। मेडिकल अनफिट हो गया बेटा, क्या दिक्कत आ गई थी मेडिकल में? इसका बताओ मुझे, सीमावर्ती गांव, आपने कुछ सुना होगा कि एक दिक्कत आई थी कि अरुणाचल प्रदेश के बाद जो बॉर्डर लगता है वहां पे चीन ने गांव के गांव बसाने स्टार्ट कर दिए है, रोड्स वगैरह बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं वो, कुछ प्लानिंग है उनकी, ये है वो है। भारत सरकार भी क्या कर रही है, लद्दाख में रोड बना रही है पहाड़ों को काट काट कर, अरुणाचल प्रदेश में बहुत बड़ी टनल बनाई है उन्होंने, 2-वे रोड बनाई है बहुत बड़ी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे, शायद मतलब कोई रिकॉर्ड भी कायम किया है वो, तो ऐसा भारत सरकार भी कर रही है बॉर्डर में। बॉर्डर के ऊपर रोड होंगे तो मिलिट्री को कोई भी चीज़ पहुँचानी है, सामग्री वगैरह एकदम पहुँचा सकते हैं, तो ये प्रोग्राम चल रहा है आपका, ठीक है ना। हाँ तो इसमें जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, विलेज को डेवलपमेंट किया जा रहा है, रोड बनाई जा रही है, इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है, इसमें से बताना है आपको कौन सा राज्य शामिल नहीं है। इसमें मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, कौन कौन से स्टेट है इसमें, सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल और मणिपुर। हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे मैप से, क्या मैप देखने के लिए आप बच्चे तैयार हो तो हाथ ऊपर कर दो। मैं आपको ये मैप दिखाने जा रहा हूँ, इस मैप को बड़ा ही कर लेते हैं क्योंकि सारे स्टेट ऊपर ही है, नीचे वो तो है ही नहीं कोई, तो मैं ऊपर वाले स्टेट ही दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। हाँ लो भाई, जूम टेक्नोलॉजी है, जूम करने का फायदा हो गया। अब आपका हिमाचल स्टेट कहाँ पे है बेटा? आपका हिमाचल स्टेट आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ये आपका हिमाचल स्टेट आ गया। अच्छा इसके बाद और कौन सा था आपका बताओ? अरुणाचल प्रदेश आपका ये आ गया, ठीक है ना। हाँ ये वाला। इसके बाद मणिपुर आपका ये आ गया, ठीक है। और कौन सा था? सिक्किम। सिक्किम बेटा आपका ये आ गया,
अब इसमें बताओ कि डेंजरस जो आपकी बॉर्डर लगती है वो कहाँ लगती है, खतरनाक? सिक्किम के यहाँ बेटा कौन लगता है? चाइना लगता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ आपकी तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे भी आपका चाइना लगता है। तिब्बत कह लो, मतलब मैं चाइना कह रहा हूँ, आप चाइना कहो या तिब्बत कहो, बात एक ही होगी, तिब्बत उसी के अंडर में ही है अभी, ठीक है ना। और यहाँ पे भी चाइना लगता है अरुणाचल प्रदेश के पास। और यहाँ पे कौन सा लगता है? यहाँ पे लगता है म्यांमार। अब म्यांमार के साथ तो हमारा एक एग्रीमेंट भी साइन है कि 16 किलोमीटर म्यांमार के अंदर तक, और म्यांमार वाले 16 किलोमीटर भारत के अंदर बिना वीजा के आ सकते हैं। तो मतलब मित्र देश है एक तरह से। तो इसमें से अगर आपको चुनना हो कि किस गांव का विकास और किस गांव में रोड आप नहीं बनाओगे, तो आप इसको 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 किसको छोड़ोगे? आप कहोगे जी मणिपुर में रहने दो, है ना। दिल्ली पुलिस बेस्ट है आरपीएफ से, तो इसमें क्या करें, मणिपुर को छोड़ देते हैं, इन तीनों में जरूरी है क्योंकि इन तीनों के बॉर्डर चाइना का लगता है, तो वहां विकास करो सड़कों का, गाँव का, ठीक है। तो हमने ये रीजनिंग से समझ लिया, निशान लगा दिया। क्या आपको समझ में आया? तो एक बार हाथ बता, हाथ ऊपर उठा दो। हाँ, इस प्रश्न में देखो, चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बात आ रही है यहाँ पे खारे पानी की, ठीक है ना। तो खारे पानी में अगर पहले नंबर पे नंबर आता है ना, तो चिल्का झील का आता है। पर एक और झील है जिससे रिलेटेड प्रश्न बहुत आता है, एक सांबर झील, ये दूसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। चिल्का झील कहाँ है? आपकी ओडिशा में। और सांबर झील कहाँ है? आपकी राजस्थान में। ये दो प्रश्न दोनों के दोनों आते हैं पेपरों में, बहुत बार आए हुए हैं, याद कर लेना। एक समाज सुधारक था जिसमें समाज में सुधार किए, उसने बहुविवाह, बहुविवाह का मतलब क्या होता है यहाँ पे बताओ भाई, बहुत लोगों से विवाह कर लेना। बहुविवाह, बहुविवाह आपके दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो कोई लड़की बहुत सारे लड़कों से विवाह कर ले तो बहुपति हो जाएंगे, और एक अगर कोई लड़का बहुत सारे लड़कियों से शादी कर ले तो बहुपत्नी। तो पुराने टाइम में कौन सा प्रचलित था ये बताओ, बहुपत्नी विवाह था या बहुपति विवाह था? पहली बात तो ये बताओ। तो एक तो बहुविवाह हो गया, दूसरा हो गया बाल विवाह। बाल विवाह एक और था जिसमें सुधार किया था, सती प्रथा, इन चीजों में इसने सुधार किया था। इसका नाम क्या था भाई? 16वें कवि कन्हैया, हाँ, राजा राम, ठीक है। इन्होंने किस धर्म की स्थापना की थी या किस संप्रदाय की स्थापना की थी? ब्रह्मा समाज, ठीक। कब की थी आपकी? 1928 में। 1928 थी या 1828 थी? ये एक बार चेक करना बेटा आप, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। और इस टाइम पे जो एक गवर्नर जनरल थे अंग्रेजों के, उसने काफी काम किया था इसके साथ मिलके, वो कौन था? विलियम बेंटिक। हाँ, मुझे लग रहा है शायद 1828 था बर्मा समाज की स्थापना, ठीक। अच्छा, तो शिवानी 2 दिनों के एबसेंट के बाद आ गई है। तो अब शिवानी पे कितना जुर्माना लगाया जाए ये बताओ। हाँ अच्छा, मस्त पढ़ा रहे हो, क्लास में याद हो रहा है बेटा? याद तो क्लास में ही होता है, भूलना बाहर होता है क्लास के जाके, भूलोगे बाद में, अभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो टॉपिक से कराया जाए तो एक जीएस में टॉपिक से कैसे करें बेटा, बेटा मैथ और हिंदी की बजाय इसमें कैसे कैसे टॉपिक से करें आप बताओ, सुझाओ, सादर आमंत्रित हैं। एक बार इंडिया की सारी नदियां करवा दें। हाँ, टॉपिक वाइज जीके, टॉपिक वाइज जीके, हाँ ठीक है, इस पे मैं विचार करूंगा। इसमें यह बताओ कि एकल और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर चुना जाता है, कौन चुना जाता है बताओ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर। इसका पता ही आपको, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, हाँ, तो इसमें आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है जनसंख्या के आधार पर, ठीक है ना। हाँ, वोटों की कीमत होती है ना, एमएलए के वोटों की कीमत, और फिर आपके एमपी की वोटों की कीमत। हाँ, दूसरी बात कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है इनका, सिंगल होता है और ट्रांसफरेबल होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव तो होता ही नहीं है इसमें, तो क्या होता है कि जो
लार्जेस्ट पार्टी होती है ना, हाँ लार्जेस्ट पार्टी कर लो या गठबंधन कर लो, उसका जो नेता होता है, जो भी नेता चुनेंगे वो बनता है। हाँ इसके लिए चुनाव नहीं होता, पार्टी लिखे दे देती है कि हमारा प्रधानमंत्री, अरे चुनाव से पहले ही कर देते हैं, सीटें तो बाद में आएंगी, एमपी तो बाद में आएगी, पार्टी पहले से ही कह देते हैं कि हमारा कैंडिडेट है मोदी प्राइम मिनिस्टर अगर हम जीते तो। उसके बाद चुनाव नहीं कराया जाता एमपीज का, कि एमपीज किसके कितने की तरफ है। अब बीजेपी जीत गई तो पीएम मोदी ही बनेंगे, सिंपल बात ऐसे होता है। हाँ कल मेरी क्लास क्यों नहीं थी, हाँ आज वो बिजली चली गई थी एक्चुअली, इसलिए लेट स्टार्ट हुई थी मेरी क्लास। कल जीएस की क्लास तो हुई थी शाम को। हाँ अच्छा, अब इसके बाद क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। हाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनने के लिए तो इसमें कोई वो वोटिंग वगैरह नहीं होती, हाँ इसमें तो कॉलेजियम सिस्टम है। भारत के प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद जो है इसका चुनाव कौन करता है पता है आपको, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कह देता है कि इसको विदेश मंत्री बनाना है तो उसको भी बनाया जाएगा, और इसकी जो नियुक्ति और शपथ वगैरह होती है वो कौन करता है भाई, प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये बताओ मुझे किसका वास्तविक नाम अर्चिस हाइपोगिया है, इसमें एक होता है ना बोटेनिकल नेम, बोटेनिकल नेम, हर चीज का बोटेनिकल नेम पूछा जाता है, क्या होता है ये बोटेनिकल नेम, वनस्पतिक नाम, वनस्पतिक नाम, ठीक है ना। हाँ ये एक क्या होता है बेटा, ये एक साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम। कहने का मतलब ये है कि एक पौधा है जो हर जगह होता है, उसका हर जगह नाम अलग अलग होगा। अरे भाई पहचाने कैसे, जब भारत वाले फ्रांस वालों से बात करें कोई शोध करने के लिए, बोला कि जी हमारे खेजड़ी का पौधा इससे ये दवाई बनती है बहुत अच्छा है, वो कहे खेजड़ी का पौधा कौन सा, फिर 1 घंटे की माथापच्ची के बाद समझ में आया कि यहाँ खेजड़ी कहते हैं उसको, वहाँ पे कुछ और कहते हैं, तो एक इंटरनेशनल नेम होना चाहिए उसका, ठीक है। हाँ अच्छा तो इसमें देखो कि ये क्या होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल नोमेनकल, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ, जैसे गुड मॉर्निंग एक तरह से इंटरनेशनल वो नाम ही हो गया अभिवादन करने का तरीका, हेलो एक तरह से फोन उठा के बोलने का एक तरीका हो गया सारी जगह इंटरनेशनली वैसे ही। तो ये प्रिया जी मूंगफली भेजी है, सब बच्चे खा लो भी। हाँ अच्छा पीनट, हाँ इसका नाम है मूंगफली का, ये अर्चिस हाइपोगिया, ठीक। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति, ठीक है हाँ, एक रणनीति बनाई गई WHO ने कहा, ठीक है WHO ने, कि आपके जो साउथ एशियन कंट्रीज है ना, साउथ एशियन कंट्रीज में क्या हो रहा है, आपका सुसाइड बहुत हो रहा है, और सुसाइड की क्या करनी है, रोकथाम करनी है, और इसकी रोकथाम ऐसे करनी है कि 2030 तक जो मामले हैं इसमें 10% कमी लाना है, 10% कमी। तो इसके लिए काम कीजिए, हर कंट्री अपने अपने हिसाब से प्रयास कर रही है, तो इसको 10% कमी लाने का प्लानिंग है। आपने सोचा था कोटा में कर ली, स्ट्रेस में कर ली, एग्जाम पास में आया, सो चीज़ें हैं। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर, जो आपका हेल्पलाइन नंबर चलेगा भाई 24/7। इसमें क्या कहा है कि अगर मन में सुसाइड के विचार आए, मन में सुसाइड आए, और आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड फोन नहीं उठा रहा है, आप बहुत परेशान हो, तो 2-3 कॉल करने से ज़्यादा उसको कॉल मत मिलाओ, क्योंकि 2-3 कॉल में नहीं उठाया तो वो क्या ही उठाएगा, नाराज है। जितने ज़्यादा आप कॉल उठाओ करोगे ना, उतने ही ज़्यादा परेशान होते जाओगे। उस स्थिति में आप अपने दोस्त, आप अपने माता पिता, किसी फैमिली मेंबर के पास जाओ, वहाँ से भी खटपट हो रखी है, मान लो किसी ने प्रेम विवाह कर लिया भाग के, घर वालों के सामने मुंह दिखा नहीं सकते, तो जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करें। ये है आपका 9152987821, ठीक है इस पर कॉल करें, तो वो आपको मतलब गाइडेंस प्रदान करेंगे, ठीक है हाँ काउंसलिंग करेंगे। जीके के सब टॉपिक का निचोड़ करवा दो, है ना, ये कह रहे हो।
कैसे कराना है आप प्लानिंग बनाओ फिर। हाँ कितने टॉपिक लेने हैं, या तो इस वीडियो के नीचे आप टॉपिक लिखे भेजो कि कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है जीएस की, आप वो लिखे भेजो मेरे को, सारे बच्चे लिखे भेजो, चाहे एक बच्चा 10 लिखे भेजो, ऐसे नहीं हिस्ट्री ज्योग्राफी टॉपिक लिखो ना फिर। हाँ ऐसे तो हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह बैच में करवा ही रहे हैं हम, है ना। हाँ सीटेट की क्लास ज़्यादा लग रही है एनटीटी की, नहीं क्यों? क्योंकि ऐसा है सीटेट का पेपर की डेट फिक्स है, एनटीटी की फिक्स नहीं है पहली बात तो। दूसरी एनटीटी में हम मोस्टली सिलेबस करवा चुके हैं, आपको पता है हिंदी का सिलेबस पूरा हो गया एनटीटी में, इंग्लिश का पूरा होने वाला है, ठीक है। हाँ और आपका रीजनिंग का पूरा हो चुका है, वहाँ पे पार्ट बी में बहुत सिलेबस हो गया, पोषण वगैरह पार्ट हो गया, ECC पूरा हो गया, फिलोसफी पूरा हो गया मनु मैम का, ठीक है। CDP सेम यही आएगी और थोड़ी सी एडवांस आएगी, वो मैम अलग से कराएगी। CDP सीटेट वाली लगा लो ना आप, CDP उसमें भी आएगी पार्ट बी में, पैडागोजी उसमें भी आएगी, तो ये सीटेट वाली लगा लो, क्योंकि मैम दोनों जगह कैसे पढ़ाए सेम सब्जेक्ट, क्योंकि वो स्कूल में भी जाना होता है उसको। तो CDP और पैडागोजी जो 5 और 7 बजे वाली क्लास तो रोज लगाया करो, एनटीटी की क्लास ही मान के चलो उसको एक तरह से, ठीक। क्वालिटी में करवा चुका हूँ एनटीटी में पूरी, फिर भी आप और पढ़ना चाहते हो तो दोबारा पढ़ लो सीटेट में। हाँ ठीक है। हाँ तो प्रिया आप लिखना इसके नीचे, ठीक है, टॉपिक वाइज मैं क्या बना लूँ, आप बच्चे सजेस्ट करो, मैं तो बनाऊंगा ही, किन टॉपिक पे लाओ उन पे लाऊंगा मैं। 2011 की जनगणना हुई थी जिसको आपकी 15वीं जनगणना कहा जाता है, ठीक है ना, पहली बायोमेट्रिक जनगणना थी। पहली जनगणना पूछ ले कि कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 1882 में, ठीक है। लास्ट कब हुई थी आपकी, 2011 में, ये 15वीं थी आपकी। और 2021 में क्यों नहीं हुई थी, तो उसका रीज़न था कोरोना। अच्छा अब बात आती है साक्षरता पे, तो साक्षरता दर का डाटा जो है वो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है ना। कहीं पे मान लो आपको मिलेगा 82% भी जेंट्स का, कहीं पे कम भी मिलेगा। हाँ तो इसमें देख लो क्या करें हम, साक्षरता की दर जो है वो बताई गई थी 72.98%, ठीक है। इसमें पुरुषों की थोड़ी ज़्यादा थी, पुरुषों की थी 80.9%, ठीक है। और महिलाओं की कितनी थी, महिलाओं की 64 समथिंग कुछ थी, 64.5 कह सकते हो आप। हाँ हाँ ऐसा क्वेश्चन कल भी आया था मेरे ख्याल से, है ना, 64.5 लगा लो आप, 5 या 6% ऐसा। तो इनमें गैप कितना आ गया बेटा, 80 और 64 में घटाओगे तो 16% का गैप है महिलाओं और पुरुष में साक्षरता का। तो इसमें 16.3 पे मैं निशान लगा देता हूँ, ये वाला आंसर। कल वाले में पूछा गया था पुरुषों की साक्षरता दर पूछी गई थी कल वाले में, ठीक है, वो भी DSSB में आया हुआ था 2024 में परसेंट, और ये भी DSSB में आया हुआ है 2024 में परसेंट, ठीक है। पड़ोसी देश और उनसे संबंध, कोरोना, खेल, किताब, चर्चित व्यक्ति। हाँ मैथ के कुछ टॉपिक मैंने रिकॉर्डेड डलवा दिए हैं आज ही, आज आप देखो ज़रा। हाँ अपना कोर्स खोल के डाटा इंटरप्रिटेशन, मिक्सचर एलिगेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, मैंशुरेशन, वर्गमूल, घनमूल, ये मैंने करवा रखे थे पहले, वो मैंने रिकॉर्डेड डलवा दिया। एक्चुअली रवि सर भूल गए थे कि टॉपिक रहे, उनको लगा कि सिलेबस पूरा हो गया है, इसके बावजूद भी कोई टॉपिक आपको रह गया तो वो बताइए ताकि हम करवा पाएँ आपको, ठीक है, ज़रूर करवाएंगे। आप एक बार वो टॉपिक संभाल लेना, मैंने करवाए हुए हैं, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में उनको देख लेना, ठीक। आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, कल संडे को छुट्टी रहेगी, ठीक है ना। हाँ पॉलिटी की क्लास हो सकता है कि शायद मैं कल कर लूँ, क्योंकि पॉलिटी का सिलेबस मैं जल्दी से पूरा करके इकोनॉमिक्स पे आना चाहता हूँ, या तो पॉलिटी की क्लास कर लेंगे कल अगला टॉपिक, या फिर पॉलिटी पे हम क्या कर लेते हैं कि सीटेट का कोई पिछला पेपर कर लेते हैं कि उसमें पॉलिटी कैसे आई थी, या फिर पूरा SST का एक प्रश्न पत्र कर लेते हैं, ठीक है, SST का पूरा, जिसमें आपका पॉलिटी ज्योग्राफी मिक्स हो, मतलब सीटेट का कोई पेपर कर लेते हैं। आप बताओ कौन सा करना है, इस कमेंट के नीचे आंसर देना है, अभी तो वो चले जाएंगे, वीडियो खत्म होने के बाद नीचे लिख देना पॉलिटी का कल क्या कराना है आपको, और ये टॉपिक भी नीचे लिख देना, ठीक है। और मैथ का कोई बच्चा है तो वो भी नीचे लिख देना, ठीक है, चलिए। हाँ तो शिवानी इसके नीचे लिखना, ये चले जाएंगे, मैं बाद में देखूंगा, ठीक है, युद्धाभ्यास, हाँ सब नीचे लिखना, ये कमेंट नहीं दिखते बेटा बाद में,